मैप में तो वही दिखा रहा है बार बार। तू यार एक पंगा हो गया यार योगी जी। गूगल मैप की ना माँ की आंख, असली एडवेंचर तो हमारे साथ हो रहा है। एक मौका देना या बकेजरी वाले ने। सुनो मेरे वीरो वाज मेरी कहानी। अभी हमारा रैपिंग करियर बर्बाद होता हुआ दिख। सुबह से गाड़ी चला के फट चुकी है। वेलकम टू माय चैनल गाइस। मॉर्निंग गाइस, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आज मैं अपने दोस्त करण के साथ ट्रैवल कर रहा हूं। देहरादून से निकले हैं अभी, गाड़ी में ऋषिकेश होते हुए चोपटा पहुंचेंगे, पर साथ में मेरी थोड़ी बकवास भी आपको सुननी पड़ेगी। सचूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। हाय गाइस, आपने मुझे देखा होगा इसी की वीडियो के एक व्लॉग में जो हमने कॉलेज में शूट की थी। आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इट विल बी इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बड़ा हरामी हो बेटा। पर अच्छा है कि मेरे को इसके साथ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये काफी वेल एक्सपीरियंस्ड है इन सब चीजों में, घूमने फिर मैंने लोकेशंस में प्लान्स बनाने में, और मैं काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ दूसरों पर रिलायबल रहने में। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो यार इतना तो कहना पड़ेगा कि उत्तराखंड की सड़कें बहुत लाजवाब है, काफी अच्छी सड़कें हैं, काफी मजा आता है ड्राइव करने पे। पंजाब की सड़कों का जैसा हाल नहीं है। अभी शायद भगवंत सरकार आ चुकी है आपकी तो। क्या बोल रहे हैं आप, चन्नी ने मसले हल नहीं किए? कार चली गल चन्नी करता मसले हल। असल मेरा काम टेंट स्टोर दा रहा, बैग मूव जे मैं लौदा रहा। अच्छा चन्नी चन्नी नहीं, अभी तो आप आई है पंजाब में, अभी मजा आएगा भाई। तो एक मौका देना है बकेजरी वाले ने। अभी शायद सड़कों की इम्प्रूवमेंट हो जाए पंजाब में, आई होप ऐसा हो। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस जा रहे हैं अभी गाइस, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई आइटिनरी नहीं है हमारे पास, प्रॉपर अनप्लान्ड चीज है और प्रॉपर एडवेंचरस होने वाला है, सो इट विल बी वेरी अमेजिंग। और गाइस मैंने इस ट्रिप के लिए नए शूज लिए हैं स्पेशल वुडलैंड के। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर कभी कभी गाइस ये बोरने लग जाए तो इग्नोर कर सकते हो, वीडियो को 10-12 सेकंड आगे कर सकते हो। आगे जाके हम खोरू पाने वाले हैं। जो मेरे पंजाबी भाई हैं वो समझ सकते हैं मेरी फीलिंग को, और जो नहीं है वो डिक्शनरी में जाके मतलब समझना। बहुत खोरू डालता है ये लड़का, ये कड़ेचे दा मड़ेचे कर देता है, और बहुत घैंट घैंट बातें करता है ये। और ये टोए से लांग भी जाता है, टाप भी जाता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। मित्रों अभी पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में, हम नए रास्ते से आए हैं। इतनी जल्दी पहुंच भी गए? आधा घंटे ही चुके। वेरी फास्ट ड्राइवर कोई है ये बॉय। लगता है इनको हमें F1 फॉर्मूला 1 रेस में भेजना पड़ेगा, बिकॉज़ ही इज सो फास्ट इन बेड। मनोज लग रहा हूं, मत करो, रहने दो, सारा मूड खराब कर दिया। आई एम अ माउंटेन लवर, मुझे बीच वगैरह से ज्यादा माउंटेन्स पसंद है। ही इज अ माउंटेन गाय, माउंटेन गाय। वो देखिए गाइस, पीपी वाले, एचआर 38 वाले, डबली वाले, डबली वालों का अपना नंबर नहीं है ना, तो वो सिरसा का नंबर यूज करते हैं, वो मंडी है ना फिर शहर नहीं, किराए पे लेते हैं नंबर दूसरों के। ये अभी ऋषिकेश में हम घूम रहे हैं, चोपटा जाएंगे, फिर वहाँ पे आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे थोड़ा सा, उसके बारे में बताएंगे। बहुत बढ़िया ट्रैक करने वाले हैं तुंगनाथ टेम्पल के, और अनइवन रोड्स नहीं है, खड्डे वगैरह बहुत कम है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। योगी जी ओ योगी जी नहीं कौन है इधर, इधर भी हो रही है, नाम नहीं पता मुझे, कोई हो रही है, फिर भी कोई बात नहीं। योगी जी सात बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अभी हम देखते हैं कोई ऐसी जगह पे रुकेंगे जहाँ पे चाय वगैरह मिल जाए और पहाड़ों का व्यू मस्त आए, क्योंकि पहाड़ों में चाय पीने का अलग ही मजा है। एंड आई एम अ चाय लवर, नॉट वेरी मच ऑफ अ चाय लवर, आई लाइक टी आल्सो, टी आल्सो, कप 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 बेस्ट आल्सो, कॉफी आल्सो, सॉरी, एंड ही इज अ कॉफी लवर। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, आई एम टोटली कॉफी। और देखिए गाइस, किसी की गाड़ी टूट गई गाइस। ऐसी बातें नहीं करनी, हमें बहुत अच्छे से और ठीक ठाक पहुंचना है, हमें सही सलामत पहुंचना है, ठुकने ठकाने वाली बात नहीं करनी हमने।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनो मेरे यार हुण मेरा तुसी गाना असि होर किथे नहीं जाना सिर्फ चौपटा ही जाना उथे ट्रैक ते जाना। मेरे वीरो आज मेरी कहानी मैं निकले देहरादून तो ते हुण मेरी सवारी मेरे नाल ओ जाना असी ऋषिकेश तो चोपटा आगे पता नहीं की होता। मजा आया। विश यू बॉय बॉय फ्रॉम मोगा। जैसे कि आपने हमें देखा होगा अभी हमारा रैपिंग करियर बर्बाद होता हुआ दिख रहा है हमें। खतरनाक वाले रास्ते और यार मेरे सस्ते। जो यहाँ पे है बसते वो लोग बड़े खस्ते। अगर कोई ऋषिकेश से वीडियो देख रहा है तो ये देख लीजिए। Kindly like the video to support us guys. Hi guys, आप कमेंट में लिख के बताइए कैसा लगा हमारा रैप। और अगर आपके पास अगर कुछ इससे मिलती जुलती रैप है चले चोपटे नु यार तो आप प्लीज बनाइए उस पर रील्स बनाइए। और क्या बेच और कोई काम हम पे। गाइस देखिए बाथरूम करने जा रहा है। बाथरूम करने जा रहा है लेकिन ओ पैड दी। गाइस तो ये क्या कहना चाहेंगे आप। तो यार अभी पहुंचे हैं रास्ते में कहीं पे रुके हैं चाय कॉफी पीने के लिए। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था और भूख काफ़ी लग रही थी हमें। यहाँ पे छोटा सा ठेला था चाय कॉफ़ी का वहाँ पे रुके। और आगे बढ़ते हुए रास्ते में हमारा एक घंटे का रास्ता एटलीस्ट पड़ा है 11 बजे तक पहुँचेंगे। और रास्ता बड़ा ही स्मूथ है काफ़ी डेंजरस है। रास्ते में पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं और आपको व्यू दिखाऊंगा इस जहाँ से हम होके हुए अभी आए हैं। ये आप सामने देखो और ये हम पी रहे हैं कॉफ़ी स्टील की ग्लास में कॉफ़ी पी गई हमें बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। ये क्रीम रोल दे दो। और ये पहला रोल नहीं है जो सागर ने खाया हो और उसमें से क्रीम निकली हो। समझ रहे हो। चाय पानी खत्म हो चुका है अभी फिर से जर्नी शुरू करने वाले हैं चोपटा की। और अभी से तो चोपटा में रुकेंगे। रास्ते में इतनी फाड़ लोकेशन आई है आपको क्या बताऊं। यहाँ पे काफी लोग खड़े हुए थे तो हमने सोचा हम भी उतर के देखें गाड़ी से क्या लोकेशन है। ये भाई अपने साथ है और आप देखिए यहाँ पे गंगा का व्यू देखिए माउंटेन्स एंड गंगा रिवर एंड आसपास ये छोटा सा विलेज है और सामने का व्यू बहुत अच्छा है गाइस आपको अभी दिखाता हूँ दो मिनट रुको। श्रीनगर और यहाँ पे हम एक भाई मिले रोहित भाई आप देख सकते हैं इनका भी यूट्यूब चैनल है ये हमारे यूट्यूबर भाई हैं और इनका बोर्ड दिखा हमने ये कर रहे हैं विदाउट मनी चैलेंज कर रहे हैं पंच केदार इसमें केदारनाथ मध्महेश्वर तुंगनाथ रुद्रनाथ और कल्पेश्वर और फिर उसके बाद टाइम रहा तो फिर बद्रीनाथ और माणा जाते उधर जाएंगे और उसके बाद नैनीताल होते हुए वापस अपने घर फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे मतलब एक दो हफ्ते दो या फिर एक महीने बाद। ये भाई अपने यूपी से कहाँ से भाई? यूपी से भाई गाजियाबाद से। अच्छा अच्छा ठीक है सही है फिर तो दिल्ली नजदीक है। हाँ जी बिल्कुल दिल्ली पड़ोसी है। ये तो यार बड़ी एक ना आयरनी सी होगी कि ऐसे रस्ते में चलते चलते कनेक्शन बनाते चलो लोगों से मिलते चलो लोग मिलते एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से मिलता हुआ। और हमारा वैसे तो प्लान ये था कि अनप्लान सा चल रहा था अभी तक तो चोपटा जा रहे हैं उसके आगे कुछ नहीं होता। आप अपने बारे में बताओ कि पहले आप 9 to 5 जॉब करते थे या कैसे क्या था? कैसा था पहले मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था फिर मैंने देखा उसमें इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा फिर मैंने सोचा कि छोड़ो इसे फिर मैंने ये
फिल्म मेकिंग में थोड़ा मुझे लगा, फिल्म मेकिंग में भी यही था कि इन्वेस्टमेंट है। फिर मैंने एडिटिंग और मेरा इसमें इंटरेस्ट था तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग फोटो वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया, वो हो गया। जॉब भी मिलने लगी, लेकिन जॉब ऐसा था कि 9 to 5 की जॉब मिलने लगी और 8-10 हज़ार 15 हज़ार की प्लेसमेंट। पढ़ चुके हैं अभी, बहुत ही छोटा और काफ़ी नैरो रास्ता है ये, हमारे लिए बिल्कुल नया रास्ता है। हमें थोड़ा सा कंफर्म भी नहीं था पहले तो कि हम सही रास्ते आए कि नहीं। और जो भाई हमारे साथ जिनको हमने लिफ्ट दी थी, वो भी एक यूट्यूबर ही था, वो उसने केदारनाथ जाना था तो वो रास्ते में उतर गया रुद्रप्रयाग के पास, तो उसके बाद हम चोपटा की ओर टर्न कर गए और वो भाई वहाँ पर उतर गया था। और काफ़ी अच्छा लगा उस भाई से मिलकर, काफ़ी गट्स वाली चीज़ कर रहा था वो, विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा था, जो कि बहुत ही मुश्किल बात है। और हमें अच्छा लगा ऐसे लोगों को मिलके जो बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके और अपनी चीज़ों को लेके। एक और बात है, हमें वो भाई ने भी बताया था कि जो जिसको हमने लिफ्ट दी थी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और जो पानी है वो सोलर के थ्रू आता है और वो रात को ही आता है, सुबह नहीं आता। तो मुझे डाउट है कि मेरी जो कैमरा और GoPro की बैटरीज है वो चार्ज कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे काफ़ी डाउट है इस चीज़ का। तो होप्स हमें कोई ऐसा होम स्टे या कॉटेज मिल जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पानी 24 घंटे अवेलेबल हो। अभी तो लग्जरी तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए, बट ये है कि हमें अगर बेसिक नेसेसिटीज भी मिल जाती हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। बेसिकली जो हम एडवेंचर कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने का जरिया तो मिले। को ट्रक चलाने की प्रैक्टिस हो रही है लगता है इसकी। किधर जाना, ऊपर ऊपर दिखा रहे हैं भाई, चोपटा जाना है। चोपटा चोपटा तूनाथ हाँ, पीछे जहाँ तुम पुल से इधर आए ना तुम, हाँ यहाँ से केदारनाथ रोड पकड़ लो। अच्छा, ये चोपटा गांव वाला चोपटा दिखा रहा है, 18-19 किलोमीटर। तूनाथ वाला नहीं है, है? तूनाथ वाला नहीं है, नहीं है। मैप में तो वही दिखा रहा है बार बार, ये यहाँ का दिखाता ना, यहाँ 19 किलोमीटर दिखा रहा हो नहीं। हाँ, यहाँ से जहाँ तुमने जाना है यहाँ से 72 किलोमीटर है, 70-72 किलोमीटर। सरप्राइज मदरफकर। तो यार एक पंगा हो गया यार, हम गूगल मैप की ना माँ की आँख। अबे साले, वैसे तो मैं भी गूगल मैप यूज करता हूँ, बट यार इतना बड़ा धोखा ना, हम 10-12 किलोमीटर अंदर आ गए और ये साला गलत वाला चोपटा दिखा रहा है हमें। ये क्या चूतियाप्पा कर रहा है, हम बार बार तुगनाथ टेम्पल वाला चोपटा डाल रहे हैं और ये बार बार गलत दिखा रहा है। तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। जो दो एक चोपटा विलेज है वो अलग है, वहां भी लेके जा रहा है वहां। यहां के एक दो लोकल्स ने हमें बताया कि आप जो रुद्रप्रयाग से आगे केदारनाथ वाला रास्ता जाता है वहाँ से जाओ, और ये भी बोल रहे थे कि सारा दिन यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं गूगल मैप लगा के और वो गूगल मैप गलत बताता है। कितने ही टूरिस्टों को ये सही रास्ता बता के आगे भेजते हैं केदारनाथ वाली रोड पे, जब भी आप नेट पे डालोगे चोपटा वाला रास्ता तो आपको गलत बताएगा। गाइस, अगर आप चोपटा आने का प्लान कर रहे हो, तुगनाथ टेम्पल आने का प्लान कर रहे हो, तो गूगल मैप को बिल्कुल भी फॉलो मत करना। गाड़ी चला के फट चुकी है, असली एडवेंचर तो हमारे साथ हो रहा है। अब हम सही रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे हैं। अभी यहाँ से कोई गूगल मैप काम नहीं कर रहा। तो यार अभी हम हैं केदारनाथ वाले रोड पे, कहीं चाय कॉफ़ी पीने के लिए रुके हैं। यहाँ से लोगों को पूछा है कितना दूर है तुंगनाथ टेंपल, यहाँ से अप्रॉक्स 30-35 किलोमीटर है चोपटा, चोपटा से ट्रैक होगा, वो सुबह ट्रैक करेंगे। अभी तो कोई वैसे अकोमोडेशन भी नहीं बुक किया हमने, सोच रहे हैं कहाँ से करें, वहाँ पर जाके देखेंगे कि क्या सीन है। इस जगह पर खा रहे हैं, ये कौन सी जगह है, पवार रेस्टोरेंट। और ये हमारा बॉडी बिल्डर, शोल्डर देखिए गाइस, 3D शोल्डर, 3D शोल्डर्स। यहाँ पे मैगी और ऑमलेट वगैरह खा रहे हैं। तो यार पहली बार अनप्लान प्लान हो रहा है, बट मजा भी आ रहा है, एडवेंचर भी हो रहा है। गूगल मैप्स मत यूज करी गाइस, पहाड़ों पे गूगल मैप, जो पेपर मैप यूज कर लेना, मगर गूगल मैप रहने गाइस, पेपर मैप यूज कर लेना, लोकल से पूछ लेना, बट गूगल मैप तो बिल्कुल भी यूज मत करना पहाड़ों पे, पछताओगे भाई।